दोस्तों, आज के एक और नए वीडियो के साथ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको शर्ट के कटिंग और लूजिंग के बारे में इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। कपड़े को डबल करके मैंने इस प्रकार से बिछा लिया है। तो अब यहाँ पर एक सीधा मार्कर लगाएंगे और यहाँ से हम इसका शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन 2.25 इंच पे कर लेंगे इस प्रकार से। और इसका हम छाती का चौथा भाग को हम आर्म होल में कन्वर्ट करेंगे। इसका छाती है 35.5 इंच, तो 35.5 इंच का चौथा भाग हो गया आपका 9.25 इंच। हम 9.25 इंच पे मार्कर लगा लिया है। और इसका जो कमर का निशान लगाएंगे 17 इंच पे। और इसका लंबाई है 26.5 इंच, इसका लंबाई है, तो 1 इंच प्लस करके 27.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। इसी प्रकार से हम दोनों तरफ सेम निशान लगा लेते हैं 9.25 इंच पे। और यहाँ पर भी सेम निशान लगा लेते हैं। आगे हम बताएंगे कि इसका लूजिंग कितना देना है। पहले इन सारे निशान को हम सीधा कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और आगे चलते हैं। इस सारे निशान को लगा लेने के बाद में हम यहाँ से पट्टी के लिए 2 इंच में निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और से पट्टी से आप इस प्रकार से इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। अब इसका जो तीरा का निशान लगाएंगे, यहाँ से तीरा है 15.5 इंच, 15.5 का हाफ करेंगे तो 8.25 इंच आया। यहाँ पर 8.25 इंच में 1/2 इंच प्लस करेंगे। और यहाँ से हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 35.5 इंच चेस्ट है, तो 35.5 को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो आपको 9 इंच में एक लाइन कम आ गया। यहाँ पर 9 इंच में एक लाइन कम करके हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। और लूजिंग के लिए हम यहाँ पर 2 इंच का लूजिंग दे देते हैं। ये लूज पहनने वाला कस्टमर का शर्ट है। आप कस्टमर के मुताबिक आप लूजिंग दे सकते हैं 2 इंच, 2.25 इंच या 2.5 इंच में। हम अब इस निशान को भी यहाँ पर छाती और हिप का निशान बराबर कर लेंगे। और इसका कमर का निशान है 36 इंच, तो 36 इंच का यहाँ पर हमने 9 इंच पे मार्कर लगा लिया है। तो कमर में भी हम 2 इंच का ही लूजिंग देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको छाती से ज़्यादा पेट, 1/2 इंच ज़्यादा पेट है, तो हम इस निशान को हम यहाँ हिप पर जितना पेट का निशान लगाया है उतना ही हम यहाँ हिप पर लगाएंगे। और इस निशान को हम सेफ पट्टी से अच्छी तरह से सेफ कर लेंगे। इस प्रकार से हम सेफ पट्टी से इस प्रकार से, इसका पेट बड़ा है 1/2 इंच, तो इस प्रकार से हम इसका निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे। और इसको हम तीरे के निशान से निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से हम इस प्रकार से इस निशान को हम निशान लगा लेते हैं।
अब हम यहाँ पर बैक का कटिंग करने जा रहे हैं। तो कपड़े को इस तरह से फिर हम बिछाएंगे अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से हम इसको बिछा लेते हैं। और बहुत सारे दोस्त हमारे वीडियो को देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक करके बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से हम पौने एक इंच का, पौने एक इंच में निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। इसको हम यहाँ पर इस निशान से इस निशान तक इस प्रकार से हम बिठा लेते हैं। और हम यहाँ से तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा 15.5 इंच तीरा है, तो 15.5 इंच का हम हाफ करेंगे और हाफ इंच इसमें सिलाई का मार्जिन देंगे। और इस प्रकार से हम इसका गोलाई देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम शेप देने के लिए डाउन करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल पर कोट कटिंग, पैंट कटिंग, शर्ट कटिंग और बहुत ऐसे वीडियो है जो आपको अच्छे मास्टर बनाने में मदद कर सकता है। आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से इसका हम इस प्रकार से हम नाप ले लेते हैं। यहाँ पर आपको 9 इंच में एक सूत कम करके यहाँ पर नाप आया हुआ है। इस नाप को हम बाजू कटिंग करते समय यूज करेंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से बाजू कटिंग करते समय आपको बहुत फिक्स नाप आएगा। आप बाजू लगाते समय इसका ज़्यादा हो या कम समय नहीं होगा, बाजू फिक्स ज़्यादा और कम मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर 9 इंच में एक लाइन कम करके यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। 9 इंच में एक लाइन से कम करके नाप लिया था, आपको यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। और हम यहाँ से आपको कप के लिए हम 2 इंच का 2 इंच माइनस करके हम यहाँ से इसका लंबाई लेंगे। लंबाई आपको यहाँ पर 2 इंच कम करके लेना है। 2.25 इंच का कप लगेगा, यहाँ पर हाफ इंच सिलाई में जाएगा इस प्रकार से। तो हम इसका लंबाई 23.5 इंच लंबाई है, तो 1 इंच प्लस करके हम इसका निशान लगा लेते हैं। आपको जो भी शर्ट का कटिंग करना है लंबाई के हिसाब से 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और इसका 4.25 इंच लूजिंग के लिए देंगे। और यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने 9 इंच में एक लाइन कम नाप लिया था, उसी नाप से यहाँ पर आपको नीचे का निशान तक इसको इस प्रकार से कर लेना है। और सेप पट्टी से आपको यहाँ पर इस प्रकार से सेप देना है। और यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से। और इस बाजू को हम कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से, आपको कटिंग कर लेना है। तो हम यहाँ पर आगे का शेप देंगे, आगे का पल्ला में एक शेप आएगा, आपको हाफ इंच के जितना मार्जिन कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर शर्ट का जो बटन वाला चाक होता है, चाक यहाँ पर हम लगाएंगे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस प्रकार से हम काट लेते हैं। अब दूसरा बाजू भी हम इस कपड़े में बिछा के
अच्छी तरह से सेट करके काट लेते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। अब इसके बाद में हम तीरा काटने जा रहे हैं, तीरा का कटिंग करेंगे। इस बाजू को हम पहले काट लेते हैं। अब हम यहाँ पर तीरा किस प्रकार से काटेंगे आपको बताएंगे। अब इस बचा हुआ कपड़े को हम इस प्रकार से खोल लेंगे। यहाँ पर और कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है आपको दो भाग में। हम इसका तीरा का यहाँ से कपड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के आपको यहाँ पर हाफ इंच और छोड़ के 15.5 इंच का हाफ करके आपको इस प्रकार से कपड़े को बिछा लेना है। तो इस प्रकार से हम एक निशान लगाएंगे, तो सिलाई के मार्जिन के लिए दूसरा निशान है। तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं और इसका जो यहाँ से लेंगे 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर आपको 6 इंच पे लगाना होगा। 4 इंच और 6 इंच को निशान को हम इस प्रकार से हम इसको मिला लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा शेप देंगे 1/2 इंच जितना और यहाँ से 1.25 इंच पे डाउन करेंगे और आपको यहाँ पर 2.5 इंच पे इस निशान को लगा लेना है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से तीरा को कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमारे चैनल पर आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे और इसी तरह के हम नए नए वीडियो आपके साथ में लेके आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन कीजिएगा, ऑल पे जाके ऑन कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के नए नए कटिंग के वीडियो लेके हम कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो हम आपके साथ में लेके आते रहेंगे। जब तक के लिए और मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, सलामत रहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।